तो आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले आई वेंट टू विजिट हुंजा। I'd been to Nepal और मेरे दो ट्रिप्स नॉर्दर्न पाकिस्तान के भी हो चुके थे, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा दो पॉइंट्स दैट यू शुड नो बिफोर विजिटिंग दीज टाइप्स ऑफ प्लेसेस। पहला पॉइंट, इफ यू डोंट लाइक रोड ट्रिप्स, नॉर्दर्न पाकिस्तान इज नॉट फॉर यू बिकॉज यू विल स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम ऑन द रोड्स। सेकेंडली, डोंट एक्सपेक्ट टू मच इन टर्म्स ऑफ होटल्स वगैरह। फैंसी होटल्स में रुकने का शौक है एंड इफ यू लाइक टू हैव गुड कुजींस तो मत जाना। अच्छा, तो टॉकिंग अबाउट हुंजा, हुंजा जाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, इस्लामाबाद से फ्लाइट लो, गिलगित पहुंचो, 2 घंटे की ड्राइव लो और यू रीच हुंजा। और दूसरा तरीका, विच आई विल प्रेफर, रोड ट्रिप। तो लास्ट ईयर इसी महीने में वी लेफ्ट लाहौर और एबटाबाद पहुंचे, एक रात का स्टे किया। अगले दिन नारान पहुंचना था, मगर नारान से एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही हाई थी। 8 साल पहले जब मैं नारान गया तो इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट, मगर अब नारान मरी में बदल चुका था। नारान वॉज सो ओवर क्राउडेड। नारान से 40 मिनट्स की ड्राइव पर एक विलेज है बटाकुंडी के नाम से, तो वी स्टेड एट बटाकुंडी फॉर अ नाइट और बटाकुंडी में सर्दी का पहला ट्रेलर मिला। अगले दिन बटाकुंडी से हुंजा जाना था, 10 घंटे का ड्राइव। 10 घंटे की ड्राइव में सर्दी भी देखी, बाबूसर पास के ऊपर बर्फबारी भी देखी और 2 घंटे बाद उसी ट्रिप में चिलास के ऊपर तपती हुई धूप भी बर्दाश्त की। हुंजा के पास एक विलेज है नगर के नाम से, 10-15 मिनट की ड्राइव का फासला होगा। तो नगर पे हमारा मेन स्टेशन था, वहाँ पर 7 दिन का स्टे किया और रोज़ कोई ना कोई जगह विजिट की, हुंजा वैली में या उससे थोड़ा आगे। दिस इज वेल्थेड फोर्ट। 800 साल पहले इट वॉज यूज एज अ विंटर फोर्ट। यहाँ 800 साल पुरानी क्रॉकरी, वेपन्स, कारपेट्स और कपड़े प्रिजर्व हैं। टूर में फोर्ट में मौजूद हाइड आउट भी दिखाए जाते हैं। यहाँ पर अर्थरल वाली वाइब्स आती है। सो अतबा लेक इज ऑल्सो वन ऑफ द हॉटस्पॉट इन हुंजा। 2010 में लैंडस्लाइड होने की वजह से ये लेक बनी एंड इट बिकेम वन ऑफ द फेवरेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। सो दिस प्लेस इज कॉल्ड टॉप ऑफ हुंजा। थोड़ी सी हाइकिंग और मेहनत करने के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, द व्यू इज वर्थ इट। और अगर सनराइज पर पहुँच जाएं तो यू कैन ऑल्सो सी द गोल्डन पीक। माई फेवरेट पार्ट ऑफ दिस ट्रिप वॉज द देवसाई ग्लेशियर, वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ जाके अंदाजा होता है कि हाउ स्मॉल वी आर। आधे घंटे की हाइकिंग के बाद एक छोटा सा व्यू पॉइंट आता है एक पहाड़ के ऊपर, वहाँ से राकापोशी और 2 बड़ी पीक साथ में दिखती हैं और बीच में देवसाई ग्लेशियर है। ना जाने कितने हज़ारों साल से ग्लेशियर उधर मौजूद है, बट नाउ इट हैज़ ग्रेजुअली स्टार्टेड मेल्टिंग। राकापोशी वॉज द हाईलाइट ऑफ द ट्रिप। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स फूड, तो कभी वहां जाना हो तो चेरीज, एप्रिकॉट और शहतूत खाना मत भूलना।